तो आज बहुत दिनों के बाद आपके साथ एक मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। स्टफ़ शाही टुकड़े हैं, बहुत स्पेशल रेसिपी है ये, और आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मज़ेदार बनी होगी। तो उसके लिए आपको फुल रेसिपी देखनी होगी, कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा। तो इधर हम बना रहे हैं एक खोया, कम बजट में खोया हम तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने आधा कप दूध लिया है, उसमें डाला है 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर की हमें 2 बार ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हम कम कम ही यूज़ करेंगे। तो हमने खोया बनाना है, हम बहुत ज़्यादा मिल्क पाउडर नहीं यूज़ करेंगे, हम डालेंगे इसमें पनीर या फिर छेना। हमारे घर का दूध फट गया था तो हमने उसको छेना बनाकर इसमें खोए की तरह यूज़ कर लिया। आधा कप या फिर 125 ग्राम आपको पनीर या छेने की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैंने इसमें डाले हैं बारीक कटे हुए बादाम, पिस्ता और काजू, लगभग 4 टेबलस्पून सारे मिलाकर ये होंगे। और इसमें डाला है मैंने आधा चम्मच हरी इलायची। इसको हम मिलाकर अच्छी तरह से भूनेंगे, यानी हमें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल खोए की तरह ही कर लेनी है। बेसिकली ये स्टफिंग बन रही है और इसको हम एज़ इट इज़ ऐसे ही स्टफ़ कर देंगे। और अब मैंने डाली है इसमें चीनी। चीनी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है इसमें, सिर्फ हल्की सी मिठास होनी चाहिए। अभी हमें इसे शीर में भी ऐड करना है। तो मेरा खोया हो गया है बिल्कुल तैयार, और अब आगे वाले प्रोसीजर को प्लीज़ पूरी तरह से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो इधर मैंने लिया है एक किचन टॉवल। किचन टॉवल को मैंने गीला कर लिया है, उसके ऊपर मैंने ये बड़े वाले जो स्लाइसेस सैंडविच ब्रेड जो होते हैं वो इस साइज़ के मैंने सैंडविच ब्रेड लिए हैं। और गीला करने के बाद ब्रश से मैंने पानी हल्का हल्का लगाया है और उसे प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं ये इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, इसमें किसी तरह का कोई टेक्सचर नहीं रहेगा। अब मैंने लगभग 2 चम्मच इसमें स्टफिंग प्लेस कर दी है एक कॉर्नर पर, और इस तरह से छुरी को हम ब्रेड के बिल्कुल बीचों बीच रखेंगे और इसके किनारों को मोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको ये चीज़ करनी है, नहीं तो आपका ब्रेड टूट जाएगा। हमने ब्रेड को गीला इसीलिए ही करा है ताकि ये टूटे नहीं। और इसके किनारे हम अच्छी तरह से काट लेंगे छुरी से, और छुरी थोड़ी सी धार वाली ही होनी चाहिए। और इस तरह से किनारों को प्रेस कर लेंगे। अगर आपको लगे कि उसका गीलापन वहाँ पर नहीं है तो थोड़ा सा पानी या दूध लगाकर उसको आप प्रेस कर दीजिए, और आपका जो शाही टुकड़े का वो पीस होगा वो तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं दूसरा तरीका आपको दिखा रही हूँ। और इधर देखिए, इसको हमने फिर से दूध या पानी से आप इसको पूरा गीला कर लेंगे। और अगर आपकी किचन टॉवल जो है वो थोड़ी सी खुश्क हो गई है तो उस पर भी पानी आप छिड़क लीजिएगा। अगर कोशिश कीजिएगा आप अपने ब्रेड जो है बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा, 1-2 दिन पुराने नहीं चलेंगे, नहीं तो वो टूट जाएंगे। मुझे ये प्रोसीजर इसलिए करना पड़ा है क्योंकि मेरे जो ब्रेड्स थे वो 1 दिन पुराने थे, थोड़े से बासी हो गए थे। तो अब देखिए मैंने किस तरह से इसमें लिया है, दोनों कोनों पर मैंने अपने जो स्टफिंग को डाल दिया है थोड़ा थोड़ा 2 चम्मच के आसपास, और उस पर मैंने दूसरा ब्रेड प्रेस कर दिया है। इस तरह से जब हम प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद इसके किनारे चिपक जाएंगे, और जब ये चिपक जाएंगे तो हम इसको काट देंगे, साइडों से भी इसके किनारे निकाल देंगे, और हमारा शाही टुकड़ों का जो पीस है वो तैयार हो जाएगा। और एक बार फिर मैं आपसे कहूँगी कि इस प्रोसीजर को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा अगर आप स्टफिंग वाले शाही टुकड़े बनाना चाह रहे हैं। देखिए मेरे सारे जो शाही टुकड़े हैं वो पूरे तरह से रेडी हो गए हैं। थोड़ी सी लेंथी रेसिपी है, अगर आप इसको पूरी तरह से बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो एक बार फिर मैं आपसे कहूँगी कि रेसिपी फुल देखिएगा। और इधर ब्रेड्स के जो किनारे बचे हुए हैं उसको हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, इससे हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, और ज़रूर मैं आपसे वो रेसिपी भी शेयर करूँगी। लेकिन मैं आपसे ऑलरेडी एक ब्रेड के हलवे की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वो रेसिपी भी ट्राई कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आगे के प्रोसीजर पर जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो अब हम अपने सारे शाही टुकड़ों को फ्राई कर लेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपके ऑयल का टेम्परेचर और आपका जो बर्तन का टेम्परेचर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ऐसा हाल हो जाएगा जैसा इस शाही टुकड़े का हुआ है, क्योंकि ये सारे ब्रेड्स जो हैं वो गीले हैं और वो तले पर जाके चिपक गया था। तो मैंने फिर दोबारा से अपने बर्तन को बहुत अच्छे से गर्म किया और थोड़ा सा फिर ऑयल को ठंडा करा, उसके बाद मैंने अपने सारे शाही टुकड़ों को फ्राई कर लिया था। और मैंने लिया है इधर देसी घी, आप चाहें तो कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला ना हो, सरसों का तेल नहीं होना चाहिए। तो सारे मेरे शाही टुकड़े फ्राई हो चुके हैं, अब मैं बनाऊंगी चाशनी। चाशनी के लिए लिया है मैंने लगभग 1 कप चीनी,
और 1.5 कप पानी लेंगे और चीनी घुलने तक हम चीनी को हिलाते हुए अच्छी तरह से पकाएंगे। और उसके बाद जब चीनी घुल जाएगी तब हम इसको 1 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकाएंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। इसमें मैंने पाउडर को यूज़ नहीं किया है, मैं इसमें डाल रही हूँ हरी इलायची साबुत। 3 से 4 मैंने हरी इलायची डाली है और मैंने डाले हैं इसमें लगभग 1 चम्मच गुलाब की पत्तियाँ। अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इन गुलाब की पत्तियों को छान लूँगी, मैं ऐसे ही यूज़ नहीं करूँगी। और वो मेरी चाशनी हो गई है तैयार, अब मैं इसको रख दूँगी एक तरफ। अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसीजर की तरफ। तो इधर लिया है मैंने 1 ब्रेड और 2 टेबलस्पून लिया है मिल्क पाउडर। हम बहुत कम बजट में रबड़ी तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इन दोनों चीज़ों को मैं थोड़े से दूध के साथ बारीक पीस लूँगी। अब मैंने लिया है 1/2 किलो दूध, फुल फैट मिल्क है ये, इसको हमने बॉयल करने के लिए अपनी कढ़ाई में डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी जो ब्रेड का मिक्सचर मैंने पीसा था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे तेज़ आंच पर बॉयल करेंगे। थोड़ा सा जब ये रिड्यूस हो जाएगा यानी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसमें और चीज़ ऐड करेंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा देर पकाना नहीं है, सिर्फ 10 मिनट में हमारी ये रबड़ी तैयार हो जाएगी। अब मैंने इसमें डाली है 4 टेबलस्पून चीनी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी यूज़ कीजिएगा। हम बहुत कम मीठा खाते हैं इसलिए हमने सिर्फ 4 टेबलस्पून डाली है और मेरी रबड़ी हो गई है तैयार। फिर मैंने अपने शाही टुकड़ों पर बिल्कुल ठंडी चाशनी ऐड कर दी है ताकि मेरे जो शाही टुकड़े हैं वो क्रिस्पी ही रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपके शाही टुकड़े सॉफ्ट हों तो आप अपनी चाशनी को गर्म कर लीजिएगा। इधर हम अपने शाही टुकड़ों को अरेंज करेंगे रबड़ी में। शाही टुकड़े चाशनी में भीगे हुए हैं याद रखिएगा, और मेरी जो रबड़ी है वो भी ठंडी है, गर्म नहीं है। मैं फिर बता दूँ, अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो इसी तरह से कीजिएगा जैसे मैंने किया है, और नहीं तो आप सारी चीज़ों को गर्म कर लीजिएगा। और मेरे शाही टुकड़े हो गए हैं तैयार। अब मैं इस पर क्लिंग फिल्म लगाकर 1 रात के लिए फ्रिज में रख दूँगी। और ये 1 रात के लिए जब आप फ्रिज में रखते हैं तो इसके सारे जो फ्लेवर्स हैं वो इन्हेंस हो जाते हैं और खाने में बहुत मज़ा आता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी तैयार होगी। और अब मैं मिलूँगी आपसे इसी तरह की नई रेसिपी के साथ। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।